ताजा निष्पक्ष खबरों के लिए कहीं नहीं है आपको जाना, प्रतिपक्ष संवाद का काम है सच्चाई आप तक पहुंचाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष संवाद और मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी रजत। हैवान बन गया था पति, पहले वृद्ध माँ को मारने की करी कोशिश, फिर पत्नी को काट डाला। वृद्धा ने 5 किलोमीटर दूर दौड़कर बचाई जान, हत्यारा गिरफ्तार। अल्मोड़ा जनपद के द्वारहाट विकास खंड अंतर्गत बिंता घाटी के ढाई गड़ा तोप में खत्ते में रह रहे दया कृष्ण जोशी ने बीती रात 10 बजे एक ऐसे घटनाक्रम को अंजाम दे दिया। अपनी ही पत्नी को कुल्हाड़ी से काटने वाला यह हत्यारा अब राजस्व पुलिस की गिरफ्त में है। उल्लेखनीय है कि बिंता घाटी में ढाई गड़ा तोप अंतर्गत जंगल में दया कृष्ण जोशी का परिवार खत्ते में रहता है। वो पशुपालन आदि का वहाँ कार्य करते हैं। दया कृष्ण के साथ उनकी पत्नी बीना जोशी, वृद्ध माँ तथा 3 बच्चे भारती जोशी 12 वर्ष, तनु जोशी 9 वर्ष और प्रशांत 7 वर्ष रहा करते थे। बताया जा रहा है कि बीती रात करीब 10 बजे दया कृष्ण जोशी का अपनी पत्नी और माँ से किसी बात को लेकर विवाद हो गया और वो अपना आपा खो बैठा। इसके बाद उसने कुल्हाड़ी अपनी माँ को मारने को उठा ली। उसकी वृद्ध माँ परिस्थिति को भाप गई और अपनी जान बचा जंगल के रास्ते 5 किलोमीटर दूर गांव में पहुंच गई। वहीं माँ की जान बचा भाग जाने के बाद आग बबूला हुए दया कृष्ण ने अपनी पत्नी बीना पर ताबड़तोड़ कुल्हाड़ी से प्रहार कर उसे काट डाला। इस बीच मां की सूचना पर तमाम ग्रामीण राजस्व पुलिस को लेकर घटनास्थल पर पहुंच गए, जहां भागने की जुगत में लगे दया कृष्ण को तत्काल दबोच लिया गया। इधर मृतका के शव को पोस्टमार्टम के लिए रानीखेत भेज दिया गया। इस घटना के बाद से मृतका के 3 नाबालिग बच्चे बेसहारा हो गए। जहां उनकी मां की हत्या कर दी गई, वहीं पिता अब जेल में दिन बिताएगा। उनकी देखभाल अब उनकी वृद्ध दादी पर आ गई है। बताया जा रहा है कि ये 3 बच्चे बागवाली पोखर के एक निजी स्कूल में पढ़ते हैं। इस बीच लॉकडाउन में स्कूल बंद होने के कारण अपने माता पिता के साथ खत्ते में आ गए थे। इधर SDM द्वारहाट RK पांडे ने बताया कि अभियुक्त ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है और हत्या में प्रयुक्त कुल्हाड़ी बरामद कर ली गई। मौके पर पटवारी चंद्रशेखर पांडे, तहसीलदार लीना चंद्रा धामी और अन्य राजस्व कर्मी पहुंचे हुए हैं। एक मिस कॉल को लेकर ये सारा विवाद उपजा। हत्यारा पति शर्मिंदा है। खास खुलासा ये हुआ है कि ये सारा विवाद एक मिस कॉल को लेकर हुआ था। हत्यारा दया कृष्ण जोशी उदयपुर मंदिर में पुजारी के पद पर था। हत्यारे को अपने किए पर अब बहुत पश्चाताप है। उसने बताया कि उसकी पत्नी को एक मिस कॉल बार बार आई, जिस विषय में जब उसने जानना चाहा तो उसकी पत्नी ने इस बाबत उसे कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया, जिस कारण इतनी बड़ी वारदात उसके हाथ हो गई। रात दया कृष्ण ने अपनी माता और अपनी बड़ी लड़की को कमरे में बंद कर पत्नी के साथ मारपीट की। जब काफी देर तक दरवाजा नहीं खुला तो लड़की और उसकी वृद्धा माँ दरवाजे का कुंडी तोड़कर बाहर कमरे में आए और अपने पिता की आंखों में मिर्च पाउडर डालकर माँ को बचाने का प्रयास किया, मगर तब तक देर हो चुकी थी। बीना जोशी दया किशन की पत्नी के प्राण पखेरु उड़ चुके थे। अब हल्द्वानी में आपके लिए हम लाए हैं जीनियस प्लेसमेंट कंपनी। अब नहीं होगा भविष्य खराब, जीनियस प्लेसमेंट कंपनी है आपके साथ। अगर आप में है कैरियर बनाने का जज्बा तो प्रतिष्ठित स्कूल में हम दिलाएंगे जॉब्स। जीनियस प्लेसमेंट कंपनी से संपर्क करने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉल करें या फिर दिए गए मेल आईडी पर अपना रिज्यूमे भेजें। है जज्बा तो हुनर को मिलेगी पहचान। जीनियस प्लेसमेंट कंपनी।